हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर जब हम एसक्यूएल व्यू में जाते हैं और कोडिंग लिखना शुरू करते हैं तो उसमें कोडिंग लिखते लिखते हम लिखते हैं नॉट नल। तो ये नॉट नल का क्या अर्थ होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि नॉट नल का अर्थ होता है कि खाली नहीं छोड़ सकते, तो इसको हम क्यों लिखते हैं, क्या कारण है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वहां पर जो वैल्यू जो हमें डालनी चाहिए उसे आप लिखे बगैर अगले वाले फील्ड में न जा सके, इसके लिए हम ये लिखते हैं। तो चलिए ये देखते हैं इसको कैसे करते हैं, ठीक है, एसक्यूएल व्यू के अंदर इसे कैसे करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लिया है और यहां से हमें क्या करना है, इसको ये टेबल बनी हुई है इसको क्लोज कर देना है। ये क्लोज कर दिया, यहां से क्रिएट पे जाना है और क्रिएट पे जाने के बाद यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाना है। और जैसे ही जाते हैं ना तो इसको क्लोज कर दीजिएगा, ये जो शो टेबल आ रही है ना इसको क्लोज कर दीजिए, बस यहां से एसक्यूएल व्यू पे आ जाना है। ये आ गया ना। अब यहां पे हम जब टेबल बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी टेबल हो सकती है, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूं स्कूल मैनेजमेंट, ये लिख दिया टेबल का नाम, ठीक है। और यहां पे स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं हम, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर दिया। यहां पे अब फील्ड के नाम हमें डालने हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे मैं फील्ड का नाम डालूंगा, सबसे पहले तो यहां डाल देता हूं स्टूडेंट आईडी, ठीक है, या फिर स्टूडेंट आईडी ही रखते हैं, स्टूडेंट आईडी। ये लिखा स्टूडेंट और यहां पे अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहां पे क्या करूंगा, यहां पे इसको डेटा टाइप रखूंगा इंट, ठीक है, इंट रख दिया। और यहां पे लिखूंगा प्राइमरी की, क्या लिखूंगा, प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या, यानी कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो यूनिक वैल्यू होगी। और यहां पे लिख दिया नॉट नल, ठीक है, यहां पे नॉट नल लिखने का मतलब यह है कि आप इसको खाली नहीं छोड़ सकते। तो अभी इसमें कॉमा दे देते हैं और यहां पे लिख देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये लिखा नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो ये लिख दिया नेम ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए नॉट नल लिखने का क्या मतलब हुआ, ठीक है, क्योंकि यहां पे हमने लिख दिया है अब नॉट नल, तो नॉट नल लिखने से ये प्रभाव पड़ेगा। यहां पे टेक्स्ट डेटा टाइप रख देता हूं, ठीक है, ये रख दिया, आप इसको बंद करके और यहां से टर्मिनेशन देंगे, टर्मिनेशन देकर के यहां से रन करवाएंगे। तो ये जैसे ही रन करवाएंगे ना तो एक टेबल हमारी यहां बन जाएगी, ये देख सकते हैं टेबल बन गई है। अब चाहे आप यहां से एंट्री कर लीजिए या आप पूरा इंसर्ट इनटू कमांड चला लीजिए। तो अब चलिए यहीं पे एंट्री कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट आईडी 1 डाल दिया, ठीक है ना, यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी। अब यहां पे स्टूडेंट का नाम है, मान लीजिए एक नाम दे देते हैं या ईशा दे देते हैं, एक नाम दे दिया, ठीक है। अब यहां पर अगर इस फील्ड को खाली छोड़ दिया जाए, ठीक है, और यहां पे एक और नाम लिख देते हैं, जैसे यहां पे लिख देते हैं कुंदन, KUNDAN, ये लिख दिया दूसरा नाम। अब यहां पर इस फील्ड को छोड़ करके हम आगे बढ़ना चाहें तो यहां पर ये मैसेज आता है, ये आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि आपने प्राइमरी की बना दिया इसके वजह से, तो नहीं भैया, प्राइमरी की बनाने की वजह से ऐसा नहीं हुआ। अगर मैं ये प्राइमरी की हटा भी देता हूं, ये लिखिएगा, यहां से अगर मैं प्राइमरी की हटा भी देता हूं और नॉट नल लिखा हुआ रहेगा तो आप उस फील्ड को भरे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है ना। तो यहां पर स्टूडेंट क्यू के नाम से इसे सेव कर दिया जाए, इसको सेव नहीं किया था मैंने, ये स्टूडेंट क्यू के नाम से सेव कर दिया। अब इसको भरे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसको हटा देता हूं, ये जो रिकॉर्ड डाला इसको भी हटा देता हूं, ये ऊपर वाला एक रिकॉर्ड है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ये बिना इस रिकॉर्ड को भरे आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये तो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आइए, पहले यहां रिकॉर्ड भरिए, फिर आप आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। यहां पर एक और नाम लिख दिया हमने, तो ये लिख दिया एक और नाम, और यहां पर तीसरा नाम लिख देते हैं, ठीक है, यहां पे लिख देते हैं एक और नाम, राजू लिख दिया, ठीक है। तो अगर हम फिर इसको खाली छोड़ देते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यहां पर एक और नाम लिख देते हैं, ये देखिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। तो नॉट नल का मतलब आप खाली नहीं छोड़ सकते और इस तरीके से इसका यूज होता है। आई होप की बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, थैंक यू।